रावतसर में फैले चिट्टे और सटे के कारोबार की जमीनी हकीकत अब सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। शनिवार शाम को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करते हुए पीलीबंगा, रावतसर तथा गोलवाला क्षेत्र में सरेआम चल रहे पर्ची सट्टे व चिट्टे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए जमीनी स्तर की हकीकत से रूबरू करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैलाश मेघवाल द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश देने की बात कही। इसी के साथ ही मेघवाल ने क्षेत्र में टूटे पड़े पक्के खालों का पुनर्निर्माण करवाने, बडोपल शेमनाले की एक मुस्त खुदाई करने, पेयजल सप्लाई व्यवस्था में सुधार करने तथा जल जीवन मिशन के तहत वंचित छोटे चक व डाणियों में घर घर कनेक्शन देने तथा मानक थेड़ी जाखड़ावाड़ी से चोइलावाड़ी होकर नवनिर्मित सड़क का गुणवत्तापूर्वक निर्माण कार्य जैसे कई विषयों को लेकर चर्चा कर हल करने की मांग रखी। आपको बता दें, रावतसर क्षेत्र में बीते दिनों ही चिट्टे के कारण हुई दो युवकों की मौत के बाद शुरू हुए जन आंदोलन और उसके बाद से शुरू हुई पुलिस कार्रवाई तथा कस्बे में चिट्टे की बिक्री के साथ साथ सट्टे के कारोबार को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप जैसे विषयों पर भी मुख्यमंत्री के साथ गहनता से चर्चा हुई है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कई बड़े फेरबदल के साथ ही कोई प्रभावी एक्शन भी क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए मैक्स लाइव के साथ। धन्यवाद।